और वहीं झांसी पुलिस के एक सिपाही के बेटे ने अपने शहर का नाम रोशन कर दिया है। झांसी के कार्तिकेय सिंह का आईपीएल की इंडियंस टीम में सिलेक्शन हो गया है। अपने बेटे के सिलेक्शन पर पिता को गर्व महसूस हो रहा है, तो खुशी की वजह से उनकी आंखें भी नम हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं खुली आंखों से देखा गया सपना हमेशा पूरा होता है, उसके लिए बस मेहनत और लगन होनी चाहिए। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है झांसी पुलिस के सिपाही के बेटे कार्तिकेय सिंह ने, जिनका आईपीएल की मुंबई इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया है। इसकी जानकारी मिलने पर उनके परिवार में खुशियां मनाई जा रही हैं, तो वहीं झांसी पुलिस महकमे में भी खुशी का माहौल है। झांसी एसएसपी शिव हरि मीना ने भी अपने सिपाही को बधाई दी है। इस खुशी के मौके पर बोलते हुए कार्तिकेय सिंह के पिता श्यामनाथ की आंखें नम हो गई हैं। उन्होंने बताया है कि बेटे की सफलता में उनके परिवार के कड़े परिश्रम का हाथ है। उनकी आज जो खुशी है वो तब चार गुना और बढ़ जाएगी जब बेटे के शरीर पर टीम इंडिया की जर्सी होगी। सर, खुशी हमको बहुत है, हमारे पुलिस परिवार का बच्चा आईपीएल में सिलेक्शन हुआ, सर मुझे बहुत खुशी है। और खुशी मुझे असली तब होगी जब इंडिया टीम की वो जैकेट पहनेगा, इंडिया टीम में सिलेक्ट होगा। उस समय हमारी खुशी, जो हमारा लक्ष्य था, जो हम अपने बेटे से उम्मीद करते हैं, तब हमारा वो लक्ष्य पूरा होगा। फिलहाल कैसे पता लगा आपको कि आपके बेटे का सिलेक्टर हुआ है? सर, बेटे निकाल करके मुझे जो है बताया, फोटो भेजा, उसके माध्यम से सर मुझे पता चला। बताने की झांसी पुलिस में श्यामनाथ सिंह सिपाही के पद पर तैनात हैं। वे मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के ग्राम क्वारसी पोस्ट हरियापुर के रहने वाले हैं। वर्तमान में इनका परिवार कानपुर में रहता है। इनके दो बेटे हैं, बेटे 24 साल के कार्तिकेय सिंह हैं। उन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने में रुचि थी। उनका सपना था कि क्रिकेट जगत में वो एक दिन अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें। 9 साल के कड़े परिश्रम के बाद आखिर उनका सपना पूरा हो गया है। कुमार कार्तिकेय का इंडियन प्रीमियर लीग टीम में चयन हो गया है। मुंबई इंडियंस टीम 11 में मोहम्मद अरशद खान के चोटिल होने पर घरेलू मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने पर उनको मौका मिला है। कुमार कार्तिकेय सिंह कई राज्यों में खेलने के बाद वर्तमान में मध्य प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आगामी 30 अप्रैल को मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच होना है। कुमार कार्तिकेय सिंह बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज हैं। कुमार कार्तिकेय सिंह के पिता श्यामनाथ ने उनके बचपन के कई वाक्यों को साझा किया है। उन्होंने बताया है कि जब वे बुरे वक्त में क्रिकेट किट खरीद रहे थे, तब पैसे कम पड़ जाने पर दुकानदार ने उन्हें ताना मारते हुए दुकान से जाने को कहा था, मगर आज बेटे की मेहनत और लगन से उस दुकानदार को जवाब मिल गया है। सर, मैं चूंकि दो बच्चों की किट सर लेना था, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था सर, फिर भी मैंने कहा चलो एक से ही ले लेंगे, एक से, उसमें सर बहुत महंगे महंगे सामान आते, तो मैं गया निकलवाया, फिर उसमें ज़्यादा पैसा हुआ, तो मैंने कहा भैया ये कम कर दो, तो बोला नहीं औकात है, तो क्यों, चले आए दुकान पे। और मुझे बहुत फील महसूस हुआ उस समय, लेकिन ठीक है, अब हम नहीं थे उस लायक, तो हम उसमें कुछ कह भी नहीं सकते थे कि हाँ, फिर भी हमें जो कुछ ले पाए हम उसको लिए। धीरे धीरे कभी किसी महीने में कुछ ले देते थे, कभी किसी महीने में कुछ ले देते थे उनको, कभी हम पूरा उसको अपने उससे पूरी किट नहीं खरीद के दे पाए हम। बता दें कि कुमार कार्तिकेय नेट पर 8 से 10 घंटे प्रैक्टिस करते हैं, नेट पर घंटों अपना पसीना बहाते हैं। इसी का नतीजा है कि आज उनका सिलेक्शन आईपीएल में हुआ है, और उन्होंने अपने पिता का नाम रोशन करने के साथ ही झांसी शहर का नाम ऊंचा कर दिया है। जनतंत्र टीवी के लिए झांसी से मोहम्मद तौसीफ की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।